छत्तीसगढ़ में तीसरे मोर्चे की थमक। छत्तीसगढ़ में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हुंकार भरी है। केजरीवाल की छत्तीसगढ़ को 10 गारंटियां यहां पर हुई हैं। केजरीवाल की गारंटी पर कांग्रेस का पलटवार है। छत्तीसगढ़ में नहीं गलेगी केजरीवाल की दाल, ये कहना है कांग्रेस का। ये पंजाब नहीं है, यहाँ छत्तीसगढ़ियावाद चलेगा। दीपक बैज ये बात कहते नजर आए, छत्तीसगढ़ में स्वाभिमान की बात चलेगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ को 10 गारंटियां दी हैं। यहां उन्होंने 9 घोषणाओं को डिटेल में बताया है। वहीं भाषण में लास्ट में कहा कि आदिवासी और किसान के लिए 10वीं गारंटी होगी, जिसकी पूरी घोषणा मैं छत्तीसगढ़ में अगली सभा में करूँगा। 19 अगस्त को आपको बता दें रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुँचे। केजरीवाल ने सूबे में बिजली फ्री करने की बात कही है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का भी वादा किया है। तो वादों की बौछार यहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल करते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया। दीपक बैज ने कहा कि यहां छत्तीसगढ़ है और यह छत्तीसगढ़िया का पैटर्न चलेगा। कांग्रेस का कहना है कि ये पंजाब नहीं है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ छत्तीसगढ़ियावाद चलेगा। आपको बता दें केजरीवाल ने सूबे में बिजली फ्री करने की बात कही है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा भी किया है। इसके अलावा युवाओं को नौकरी को लेकर भी उन्होंने बात कही है। युवाओं को नौकरी न मिलने तक हर महीने 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, इस बात का भी ऐलान किया है। केजरीवाल का कहना है कि सरकार बनते ही सारे वादे पूरे किए जाएंगे। आपको बता दें केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ को 10 गारंटियां दी हैं। बिजली की गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में सभी गांव और शहरों में बिना कट लगे 24 घंटे बिजली दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सारे पुराने बकाया घरेलू बिजली बिल माफ किए जाएंगे। मनमोहन नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर संवाददाता। मनमोहन, चुनावी माहौल बन रहा है, अब तक जिस तरह से सियासी गलियारों में जो बातें चर्चाओं का विषय थी वो थी कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, लेकिन जिस तरह से तीसरे मोर्चे की थमक यहां पर अब सुनाई देने लगी है, केजरीवाल ने आज हुंकार भरी है, 10 गारंटियां देते नजर आए। जी मनमोहन, बिल्कुल देखिए कमल जी, छत्तीसगढ़ में जो चुनावी बिगुल है वो बज चुका है और बीजेपी और कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में धमाकेदार एंट्री की है। और आज आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और संस्थापक हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, वो राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे और उन्होंने 10 वादे किए हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो मतदाताओं के पास कहें या फिर यूं कहें कि आमजनों के पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं और वो है कांग्रेस और भाजपा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार एंट्री छत्तीसगढ़ में की है और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को एक तरीके से एक मैसेज दिया गया है कि जिस तरीके से देश के राजधानी दिल्ली की बात कहें या फिर पंजाब की बात कहें, दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस तरीके से जनता के हित में काम किए जा रहे हैं वो काम अब छत्तीसगढ़ में होंगे और किसी भी तरीके से जो जनता है वो कांग्रेस और बीजेपी के बहकावे में न जाए। और निश्चित तौर पर देखिए चुनावी साल है और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की पिछली बार 2018 में स्थिति देखी गई थी, कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ जो अजीत जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की जो पार्टी थी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, उन्होंने एंट्री किया था और उनको भी सफलता मिली थी और इसके साथ साथ बीएसपी को भी छत्तीसगढ़ में मैं खाता खोला था। तो इस बार
आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में एक जबरदस्त एंट्री कर रही है और आम आदमी पार्टी के द्वारा आज एक बड़े कार्यक्रम किए गए और इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहां पर पहुंचकर जनता को और आम आदमी पार्टी को, पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको संदेश देना चाहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छत्तीसगढ़ की विकास को लेकर, यहाँ के जो जनता को लेकर वो काम कर सकती है। जी जी बिल्कुल, तीसरे मोर्चे की धमक यहाँ सुनाई देने लगी है, लेकिन जिस तरह से फॉर्मूले को लेकर बात करें, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस अपनी पुख्ता रणनीति के तहत आगे बढ़ने की बात लगातार कहते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं ना कहीं जीत का दम भी भरती दोनों पार्टियां नजर आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज जिस तरह से हुंकार भरते नजर आए, 10 गारंटियां यहां पर देते नजर आए वो, और जिस तरह से यहां माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि फॉर्मूले को लेकर अगर बात की जाए मनमोहन, तो दिल्ली का फॉर्मूला पंजाब में अपनाया तो कहीं ना कहीं वहां पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू का कमाल यहां वहां चलता दिखाई दिया, तो क्या लगता है जिस तरह से वो गारंटियां यहां पर देते नजर आ रहे हैं, फ्री की सुविधाएं देने की बात यहां पर कहते नजर आ रहे हैं, तो कितना असर देखने को मिल सकता है उनकी इन बातों का? बिल्कुल, देखिए जनता को जो वादे हैं उस वादे अगर पूरे होते हैं तो जनता उस रुख पर वो बदलती है और उस हवा में जनता भी जाती है, लेकिन फिलहाल हम छत्तीसगढ़ के परिदृश्य की बात करें। देखिए छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की जो पार्टी है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, उन्होंने भी धमाकेदार एंट्री की थी और कहीं ना कहीं आज आपके सामने, हम सबके सामने स्थिति जनता कांग्रेस की जो स्थिति है वो स्पष्ट दिख रही है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में और पंजाब की बात करें जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वह छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को अरविंद केजरीवाल यह बताना चाह रहे थे और उनका संदेश यह था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के सिवाय आम आदमी पार्टी भी यहाँ की जनता के हित में काम करेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की छत्तीसगढ़ की इतिहास की बात करें तो यहाँ पर दो ही राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की जनता देखिए कमर जी कांग्रेस और बीजेपी को ही समझती है। अगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एंट्री की है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासियों के बाहुल्य एरिया है और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें समझाने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम जब से छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई है तब से हम देखते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों राजनीतिक पार्टी यहाँ पर हावी हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ की राजनीति में एंट्री करनी है या आपको यहाँ पर अपना जो विस्तार करना है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने जिस गति के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी विस्तार कर रही है और आने वाले विधानसभा में वो प्रत्याशियों की जो घोषणा करेगी उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जिस तरीके की अभी बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है वो अभी चौंकाने वाले हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और उस प्रत्याशियों की घोषणा में उस क्षेत्र में क्या समीकरण बन रहे हैं। देखिए फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार ने जो किसान मजदूर के हित में काम किए हैं तो उसकी नाकामयाबी बीजेपी बता रही है जनता को, और जिस तरीके से आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 वादे करके यहाँ के जनताओं को बताया है, एक संदेश देना चाहा है कि इन 10 वादों के साथ वो छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में उतरेगी। तो निश्चित तौर पर देखिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर, जहाँ की इतिहास की हम बात करेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टी को ही यहाँ के जो मतदाता है वो अपना भरोसा दिलाते हैं। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने भी जिस हिसाब से यहाँ पर एंट्री मारा है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा फायदा तो हो सकता है, लेकिन इतना प्रभावशाली भी नहीं होगा। जी बिल्कुल मनमोहन, प्रमुख दल अगर देखा जाए जिनमें कंपटीशन चुनाव के मद्देनजर होता रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही दलों के बीच अपने अपने स्तर पर आदिवासियों की बात भी पुरजोर तरीके से होती रही है, किसान हित की बात भी यहाँ पर होती रही है और महिलाओं के साथ साथ हर वर्ग की बात दोनों दल यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी का फैसला आदिवासियों पर ही निर्भर करता है और ऐसे में आदिवासियों की जो संस्कृति है, आदिवासियों का जो कल्चर है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी जिस तरह से दम भरती नजर आ रही है, इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए कमर जी मैं आपको थोड़ी सी पीछे ले के चलूंगा। देखिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे कांकेर जिले में, और कांकेर जिले में सर्व आदिवासी समाज ने
यहाँ पर पूर्ण जोर तरीके से आदिवासियों के हित में बात करने की बात हो या एवं आदिवासी समाज को लेकर चलने की बात हो, लेकिन जिस तरीके से चुनावी जो माहौल देखी गई थी वहाँ पर और कयास भी यह लगाए जा रहे थे कि सर्व आदिवासी समाज कहीं ना कहीं कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो समीकरण को बिगाड़ सकती है, लेकिन पिछले बार भी हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में गुणवाना गणतंत्र पार्टी भी एक चुनावी माहौल में चुनावी जो सीजन में उन्होंने भी भाग लिया था। लेकिन जिस तरीके से हम छत्तीसगढ़ की इतिहास की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी, दोनों राजनीतिक पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, भली भांति पहचानती है। आम आदमी पार्टी ने भले ही आदिवासियों के हित में बात करी हो या आदिवासियों के लिए अनेक तरह के वादे किए हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की परिदृश्य की बात करें, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जो पार्टी रही है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी, पूरे प्रदेश में एक माहौल ऐसा चला हुआ था कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ सकती है, लेकिन तस्वीर आप हमके हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गई। और किसी भी तरीके से कांग्रेस को हो या बीजेपी को हो कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। तो निश्चित तौर पर देखिए चुनावी साल है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां छत्तीसगढ़ में एंट्री करेगी और जनता के बीच अपने वादे और अपने दावे की बात करेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो परिदृश्य है वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। मतलब इतना स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में दो ही पार्टी फिलहाल मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी जो जीत है वो हासिल करती आई है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ में बैठक लेने की बात हो या फिर देखिए अरविंद केजरीवाल का जो छत्तीसगढ़ दौरा है यह काफी महत्वपूर्ण भी है। और देखिए चुनावी साल के समय अनेक विभिन्न पार्टियां तो आएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता बहरहाल देखने वाली बात होगी कि किसे जीत का सेहरा पहनाती है, यह तो वक्त बतलाएगा। जी बिल्कुल, वक्त ही सारे ये जो है चुनावी नतीजे हों या जनता हो यही तय करती आई है कि किसको सत्ता की चाबी देना और किसको नहीं देना। अब ऐसे में तीसरा दल भले ही दम भरता नजर आ रहा है, उसका कितना असर सियासी पटल पर पड़ेगा बाकी देखने वाली बात होगी। फिलहाल धमाबाद के लिए मनमोहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो चुनावी बिसात काफ़ी दिन पहले ही बीत चुकी थी और अब आम आदमी पार्टी जिस तरह से दम भरती नजर आ रही है, फार्मूला वही जो दिल्ली में अपनाया गया, फार्मूला वही जो पंजाब में अपनाया गया, फार्मूला वही अब छत्तीसगढ़ में अपनाने की बात आम आदमी पार्टी करती नजर आ रही है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मध्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में जो कड़ी टक्कर अक्सर देखने को मिलती है, इस बीच आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है वो कितना असर दिखाती नजर आएगी, वो भी तब जब हर एक क्षेत्र में फ्री की व्यवस्थाएँ देने का ऐलान पार्टी करती नजर आ रही है।